हेलो। हेलो, अस्सलाम आप वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। भैया, मैंने कल आपको वॉइस वीडियो कॉल किया था, व्हाट्सएप किया था। मैं नूरुल्ला बात कर रहा हूँ, मैं नूरुल्ला बात कर रहा हूँ कर्नाटक से। कल बताइए। आपको मैं व्हाट्सएप वॉइस मैसेज छोड़ा था। भाई कल रात को आपने क्या किया क्या नहीं किया वो सब मेरे भाई उसको हटाइए साइड में। मेन मुद्दा क्या अच्छा उसका अच्छा ही है। नहीं, मेरे को एक कुछ था। एक फैमिली के घर पे एक अम्बिया काम कर रहे थे, एक अदरक वो सर्विस गंजे वगैरह करते हुए। वो लड़की को क्या बताए, उनके आपकी एज बहुत कम है, क्या बताया? आपकी एज, आपकी हयाती, आपकी उम्र बहुत कम है। कौन बताया? तो ये अम्बिया काम करने वाला एक हजरत काय का काम करता है? अच्छा अंबिया काम, वो जो ताबीज वगैरह वो करते हैं ना। भाई वो काहिन है, ठीक है, जादूगर, ताबीज गट्टे करने वाला, ठीक है। हाँ हाँ, जी, दुआ के नाम से झाड़ फूक करते हैं ये लोग। अब जो उसने ये कहा है कि आपकी जो फला है उनकी जो उम्र है एज है बहुत कम है, ठीक है, ये मेरे भाई ऐसा बोलना या ऐसा दावा करना ये मेरे भाई कुफ्र है, कुफ्र। भाई क्या उसको इल्म है गायब है जो उसको पता है कि वो कितने दिन भाई वो जीने वाली है या जीने वाला है या उसको मौत कब आएगी इसका वो दावा कर रहा है? नहीं, ये तो दावा कोई कर ही नहीं सकता। अल्लाह सुबहानहु ताला फरमाता है कुरान में सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत 185 में, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत। तो हर जानदार को मौत आनी आनी है, ठीक है, जायका मजा चखना है, लेकिन कब चखना है, तुम्हारी जिंदगी कितनी है ये मैं नहीं बता सकता कि भाई तुम्हारी तो उम्र बहुत लंबी है या तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी है। मैं कौन हूँ तो बताने वाला? जितनी अल्लाह ने आपको दी है उतनी उम्र आप इंशाल्लाह जी के जाएंगे, और जिस दिन मेरे भाई मौत का फरिश्ता आ गया तो आपको वो लेके जाएगा चाहे आप कहीं पे भी मेरे भाई छुपे हो। तो जो ये इस तरीके का दावा कर रहा है वो एक नंबर का काहिन है, ठीक है, और काहिन की बात को मानना और उसका पूरा मेरे भाई यकीन करना ये मेरे भाई कुफ्र है, कुफ्र। हाँ सही है। वो कल हजरत और मेरे बीच में बात होने वाली है। कल मैं फोन पे छेड़छाड़ किया हूँ, कल मैं जाऊंगा उधर बैठूंगा। तो आप, वो सीरियस है ना वो लड़की इस बातों को लेके? लड़की अगर भाई वो सीरियस है और वो ये सोच रही है कि मैं मरने वाली हूँ मेरी उम्र बहुत छोटी है और ये मौलाना ने बता दिया बाबा ने बता दिया और इसका मतलब भाई उसने उसकी बात को मान लिया तो गोया उसने उस चीज का इनकार किया जो मोहम्मद पे नाजिल हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि शरीयत का इनकार किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो किसी अगर कोई मतलब कोई काहिन हो जिसको आमतौर पे लोग बोलते हैं जानता, क्या वो सब जानता है उसके पास चलो, तो यानी कि अगर अगर कोई मतलब कोई काहिन हो जो होने वाली बातों को मतलब भाई वो आपको बताता है क्या आप मेरे भाई एग्जाम में पास होंगे या फेल होंगे, आपके बेटा होगा या बेटी होगी, बारिश कल होगी कि नहीं होगी, इलेक्शन में कल कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक है, या भाई आपको ये फला मेरे भाई बीमारी हो गई है ये ठीक हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या कोई भी मेरे भाई जो लोग खोलते हैं फाल खोलते हैं कहानत करते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई ऐसे शख्स के पास जाए जो मतलब जो होने वाली बातें होती हैं उनको मतलब भाई वो बताता है कहानत करता है तो गोया उसके पास जाना उसने मेरे भाई कुफ्र किया। और अगर कोई जाता है और उसकी बातों को मान भी लेता है तो गोया उसने उस चीज का भाई इनकार किया जो मोहम्मद पे नाजिल हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि उसने मेरे भाई शरीयत का इनकार कर दिया कुरान हदीस का। तो आप उस मेरे भाई बहन को समझाइए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ढोंगी बाबा मेरे भाई हर गली चौराहे पे हर 10 कदम पे आपको मिलेंगे, ठीक है, और जिंदगी छोटी है या बड़ी है ये वो उसको कैसे पता चला? वही उसको तो खुद बात की अपना नहीं कल पता होने होगा वाली है। कि जी उसको उसको मेरे भाई कितना जीना है, आप समझ रहे हैं? ये तो मेरे भाई
कुरान में आता है ना सूरे, मतलब उसमें लुकमान में गालिबन, कि जो मतलब जो पांच चीजें हैं उसका जो इल्म है वो सिर्फ अल्लाह सुबहान तआला के पास है। अब उसमें बात ठीक चीजें आती हैं, माँ के पेट में क्या है, ठीक है, बारिश कब आएगी, कयामत कब होगी, इंसान को मौत कब आएगी, तो ये सब बातें बता दी ना अल्लाह ताला ने कि ये सब बातें सिर्फ अल्लाह को पता है, ये सब बातें अल्लाह के नबी को भी नहीं मालूम है। तो जो वो बाबा है काहिन है, उसको कहाँ से पता चल गया कि इसकी जो उम्र है वो छोटी है, ठीक है, और वो मरने वाली है। तो माज अल्लाह इस तरीके के बाबाओं को तो उल्टा मेरे भाई घुमा के, बेहतरीन कपड़े उतार के, ठीक है, डंडे में तेल वेल भाई लगा के, वो भी सांडे का तेल, सरसों का तेल नहीं, और लगा लग उसको मारना चाहिए। एक मिनट है, मैं उधर चंद बातें करके हंगामा खड़ा कर दिया, हंगामा हाँ? ऐसे खड़ा कर दिया हूँ, मैं मुलाकात करूंगा, बातचीत करूंगा, तो आपने कैसे बता दिया कि उसकी उम्र कम है, आप साबित करना है। कल आए उससे ये वो पूछो तुम्हारी उम्र कितनी है, कितने दिन तुम और भाई तुम मतलब भाई इस दुनिया में रहोगे। अगर वो कहे कि मैं 5 साल में और जीऊंगा, तो फौरन मेरे भाई उससे बोल तो जहर पियो, नहीं पियोगे तो अभी हम पिलाई दे रहे हैं, अभी खुद ही उसकी हकीकत सामने आ जाएगी। वो कल बहुत परेशान था भैया, मैं एक तो एक लड़की सुन के बहुत सीरियस हो गई, मैं आपको 10 5 6 टाइम या कॉल किया, तो मैं अरे आपकी आप मैं लड़की समझे भाई कि उससे कह आप दो वो पागलपना ना करे, वो जाए अपना घर पे सो जाए भाई। ये तो समझाओ। चलिए काहिन ने बताया ना, मैंने ऐसे ऐसे अपनी जिंदगी में भाई देखे हैं पेशेंट जिनको डॉक्टर ने भाई मतलब बकायदा उनकी इतनी मेरे भाई बीमारी हो गई थी कि डॉक्टरों ने भाई इनकार कर दिया, जवाब दे दिया कि अब इनका इलाज हो नहीं पाएगा, घर पे लेके जाइए, ठीक है, जो भी महीना 2 महीना अपना जिए, इनकी सेवा कर लीजिए बस, ये भाई ये अपने दो चार मतलब ये 2 4 रोज के मेहमान हैं, जाइए इनको अपना लेके, मतलब डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से भाई वो जिंदा है। माशाल्लाह। आप समझ रहे हैं, डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया कि भैया बीमारी इतनी इसकी बढ़ गई है, इसका हमारे पास इलाज नहीं है, उन्होंने मेरे भाई जवाब दे दिया साहब कि आप इनको मेरे भाई घर पे लेके जाइए, हॉस्पिटल में रख के कोई फायदा नहीं है, बच्चे कुचे जिंदे हैं, अपने फैमिली वालों के साथ जाके अपना ये अपना जाए रहे। तो कितने मायूस हो जाते हैं कि बताओ डॉक्टर ने भाई जवाब दे दिया, लेकिन तब भी अल्लाह ने उनको रखा हुआ है जिंदा, आराम से मेरे भाई भैया 20 साल मेरे भाई हो गए आज तक जी रहे हैं। तो ये कब किसको भैया मौत आएगी कब नहीं आएगी ये कोई को नहीं पता है, और जो इसका दावा कर रहा है कि उम्र छोटी है या उम्र बड़ी है वो बात अलग है। हाँ उम्र में मेरे भाई बरकत के लिए ये हदीसों में आता है कि जो अपने मेरे भाई जो मतलब खानदान वाले हैं रिश्तेदार हैं उनके साथ भाई अच्छे अंदाज में भाई पेश आता है, सिला रहमी करता है, अल्लाह उनकी जो उम्र है उसमें बरकत दे देता है। तो उम्र में मेरे भाई बरकत के लिए जो तरीका है वो ये है कि आपके मेरे भाई जो खानदान वाले हैं रिश्तेदार हैं अच्छे अखलाक से पेश आइए, ठीक है, उनकी मदद कीजिए, ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्र में आपकी बरकत आ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो मौत का दिन है वो मेरे भाई 5 साल आगे बढ़ जाएगा, नहीं, उम्र आपकी उतनी रहेगी लेकिन जिंदगी में अल्लाह आपकी इतनी मेरे भाई बरकत दे देगा कि वक्त आपका बहुत अच्छा बीतेगा, उसमें सारे काम भी आप इंशाल्लाह कर लेंगे, तो वक्त में अल्लाह ताला बरकत दे देगा। मौत मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मेरे भाई किसी को इतवार को आनी है शाम 5 बजे, ठीक है, तो मौत उसको मेरे भाई उसी दिन आएगी इतवार वाले दिन शाम को 5 बजे, ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे भाई जो आपके जान पहचान के रिश्तेदार हैं उनके साथ अच्छे अंदाज में मेरे भाई सिला रहमी करोगे, अच्छे अंदाज में उनकी मदद करोगे, उनसे प्यार से पेश आओगे, तो वो इतवार के शाम 5 बजे तक और अब तक जो बीच में जो टाइम है उसमें अल्लाह इतनी बरकत दे देगा कि आप अच्छे से अच्छा खा लोगे, कमा लोगे, घूम लोगे, टहल लोगे, ठीक है, अपनी जो भी मेरे भाई बच्चों की परवरिश है, इबादत है, शादी है, बिया है, ठीक है, इबादत है, सब कर लोगे, मतलब वो अल्लाह बरकत दे देगा उसमें। इंशाल्लाह लेकिन इसका मानना ये नहीं है कि आपको
आपने अपने मेरे भाई रिश्तेदार को दावत दे दी, तो आप इतवार को मरने वाले हो, तो इतवार से भाई वो मतलब आपका सोमवार मंगल हो जाएगा। नहीं, मौत का दिन फिक्स है। अल्लाह ताला ने मेरे भाई हमको ठीक है दुनिया में भेजते ही सब मेरे भाई सब कुछ नोट कर रखा है कि हम दुनिया में मेरे भाई कब पैदा होंगे, कितना कमाएंगे, कितना खाएंगे, हलाल खाएंगे, हराम खाएंगे, कितनी इबादतें करेंगे, कितनी नहीं करेंगे, मौत कब आनी है, शादी कितनी होंगी, औलादे कितनी होंगी, सब अल्लाह ताला ने मेरे भाई तकदीर में वो पहले ही मेरे भाई अच्छे से सेव कर लिया है, तो वो आगे पीछे नहीं होगा। तो जो भी ये कह रहा है कि भैया वो फला मेरे भाई लड़की है और वो मरने वाली है, उम्र उसकी मेरे भाई बहुत थोड़ी बची है, तो लड़की को चाहिए कि वो अल्लाह के ऊपर मेरे भाई यकीन करे और वो अपने दिमाग में चीज को डाल ले कि मौत कब इंसान को आनी है ये सिर्फ अल्लाह जानता है, आराम से मेरे भाई जिए, वरना अगर उसको नहीं भी मरना होगा ना तो वो सोच सोच के मारे मेरे भाई उसमें डिप्रेशन में अपने आप ही मर जाएगी। मर जाएगी, समझ रहे हैं। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत